सुबह 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 का 5 बज रहे हैं और हम लोग अभी उठे हैं यहाँ पर और सब सोए हुए हैं। हम लोग को पता चला है कि वहाँ पे बहुत सा ज़्यादा बर्फ गिरा है कल, तो मैं तवांग जाने का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो चुका है। तो अभी हम लोग निकल गए हैं सेला पास की ओर। एकदम बिहार सीमर गुटे तो अभी पूरा बर्फबारी हुआ है यहाँ पर, -5 डिग्री है, नया बर्फ है, ये बर्फबारी हुआ है नया, और बहुत ज़्यादा ठंड है, ठंड बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सीधा कर, सीधा कर। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर और हम लोग को यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे जाम लग गया हुआ है, तो हम लोग आगे जा नहीं पा रहे हैं। तो देखते हैं कि कब खुलता है यहाँ पर जाम, उसके बाद हम लोग आगे जा सकते हैं। अभी हम लोग सेला पास यहाँ से 5 किलोमीटर और है, तो सेला पास पहुँचेंगे, उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि इसके आगे जाना है या वहीं से घूमना है, हम लोगों को वापस आना है। तो देखते हैं कि क्या होता है। और बाहर यहाँ पे पूरा जाम लगा हुआ है, तो यहाँ पे सब गाड़ी रुका हुआ है, देखते हैं कि कब खुलता है। रस्सी बांध तो नहीं होगा तुम्हारा, वापस घर घुमाएगा, घुमाने भी मुश्किल होगा अभी। लो लो आगे कर देते, चलो धक्का मार के पास हो, धक्का मार देंगे, जबरदस्ती ले आया यार। लो लो हेलो पूरा गाड़ी जाम लगा हुआ है, आपको तो दिख सकता है और यहाँ पर आपको बहुत दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है और आपको शायद ठीक से दिख भी नहीं रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा, और बर्फ भी यहाँ पर गिरता हुआ दिख रहा है और बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है सबको। সসমাটো এই সসমা দিয়া চোন, অ নাট 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 এই সসমাখন দিয়া, মই এই মেনেজ কৰিছোঁ তহঁতে একদম বেছি নলবি, এই ইয়াক ওলাব নিদিবি হা, হেৰাই যাব পাৰে এই ইয়াক। इससे क्या क्या प्रॉब्लम होता है ना ऐसे यहाँ पे आने से, हाँ वो सब दिखा के। भैया मत दिखाओ, नहीं तो आदमी आएगा नहीं। नहीं इसमें तो इसमें एक मजा है ना, इसमें भी एक मजा ही है, बर्फ के बीच में थोड़ा रुकना। आपने रुकना कहाँ से आया? हम लोग तो नौवा से आए। आप? महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र से, हम लोग तो यहाँ के ही है, थोड़ा सा सामने। कितना दूर है आपका गाँव? ज्यादा तो नहीं, यहाँ से 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर कहाँ? नौगांव पास। मैं अभी ये लेके 3 बार आ चुका हूँ।
आपने डाले यूट्यूब में? हाँ अच्छा हम देखते हैं देखेंगे। हाँ मेरा चैनल का नाम बिट्टू शाह है। बिट्टू शाह? हाँ बिट्टू शाह बोलेगा मतलब ट्राई कीजिएगा आ जाएगा। अच्छा अच्छा आप कहाँ जाएंगे अभी? रिटर्न आगे नहीं जाएंगे पसंद है तो अभी हम लोग को यहाँ से रिटर्न होना होगा क्योंकि आगे पूरा बंद है। तीन चार दिन हो गया सब पूरा बंद है। और हमारे भैया यहाँ से मिला अभी महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र से आ गए हैं हम लोग महाराष्ट्र से पुणे से और यहाँ फंस गए हैं। कितना दिन हो गया यहाँ पर? आप कहाँ कहाँ घूमे यहाँ पर? यहाँ तो पहले आ गए बाकी एरिया देखकर यहाँ आए। तो यहाँ पूरा आपको जाना कहाँ था? तवांग जाना था? तवांग जाने था हमें और दो दिन वहाँ रहने वाले थे। हाँ लेकिन मैं अब जा नहीं सके। यहाँ से फिर हम यहाँ से रिटर्न जाएंगे। रिटर्न जाना पड़ेगा। यस हम लोग सबको यहाँ से रिटर्न क्योंकि हमारे दोस्त जो आगे गए थे वो पांच दिन वहाँ ठहरे थे और आज फिर आ गए वो दूसरी गाड़ी करके आए। वो उन्होंने वो गाड़ी वो ही छोड़ दी। पांच दिन तक मतलब वहाँ फंसा हुआ फंसे हुए थे। और ये हमारे भैया रोसी लगा लिया अभी गाड़ी में। हम सोचा अभी वापस जाएंगे और क्या देख चुनाव भी हो रहा है। आगे भी गाड़ी फंस गया तो क्या है बहुत बुरा पे नहीं होगा। अभी देख जाना है। करेंगे ओके ठीक है मिलेंगे। हाँ हाँ आइएगा। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पूरा जाम लगा हुआ है और कुछ भी गाड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है गाड़ी का। सारा गाड़ी यहाँ पर रुका हुआ है। एक गाड़ी ठीक से जा नहीं पा रहा है क्योंकि बर्फ पूरा भरा हुआ है यहाँ पर। आपको दिख रहा होगा कैसे बर्फबारी हुआ है यहाँ पर। मुझे तो डर लग रहा है यहाँ से जाने के लिए क्योंकि बहुत ही स्पीड में गाड़ी आ रहा है। बहुत ही ज्यादा बर्फबारी हुआ है और यहाँ पे पूरा जाम लगा हुआ है। तो मैं देखने के लिए जा रहा हूँ कि कितना क्या जाम है। तो थोड़ा सा मुझे जाम खुला हुआ दिख रहा है अभी। अभी एक एक करके गाड़ी आना शुरू हुआ है तो देखते हैं अभी कितना गाड़ी और है। हम लोग यहाँ पर एक घंटा हो गया हम लोग फंसे हुए और थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बर्फ भी गिरता हुआ दिख रहा है आपको। शायद दिख रहा होगा क्योंकि बहुत ही थोड़ा थोड़ा गिर रहा है और मैं ठीक से बता भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंड है। अच्छा आगे गाड़ी जा सकता है क्या? गाड़ी जा सकता है? जा सकता है बर्फ सेलापास तक? ठीक है हमको तो सेलापास ही घूमना था बस। और यहाँ पे गाड़ी दिख रहा है आपको दिख रहा है कि गाड़ी यहाँ पे फंस गया है। फिर बाइक राइडर का गाड़ी फंस गया है। राइड करते हुए गाड़ी फंसता हुआ दिख रहा होगा आपको लेकिन बहुत कहने वाले बाइक जाओ पर हम क्यों जाओ मारे कट्टी दे कट्टी दे मतलब कट्टी मिली कट्टी मिली जाओ एकदम स्लो एकदम स्लो छाटे ना जाओ अपनी ताकत के साइड करी बदबू फांसी गई साले। जा रहे हैं और
गया घूमना। अभी हम लोग को वापस जाना पड़ेगा, यहाँ से हम लोग रात को अभी निकलेंगे, इसके बाद कहीं पे खाना खाएंगे और आगे रास्ता बंद है इसलिए हम लोग को जाना है, मतलब वहाँ से घूमना पड़ा। तो अभी हम लोग सेलापास से रिटर्न हो रहे हैं और यहाँ से हम लोग अभी खाना खाएंगे सेलापास। सेलापास में उस एकदम एक पांव दिया हमने हाड़ू उस लोग उसी से कितना रोड के ला बिल्डिंग लगी है सर ने रोड पूरा दिया से इधर से रोड के ला हाथ पुल्ले से तो जान और जान नहीं गए से नो है मजा लगी है। तवांग एटा तो टीम रे दोस्त हां तवांग एटा तो टीम ले बोल ना लगे टीम टीम। अभी हम लोग सेलापास में है, सेलापास पहुंचे हैं तो यहाँ से दिख रहा है आपको, यहाँ से वेलकम टू तवांग। घुमा सकते हैं नेट अभी तो सेलापास में, यहाँ से हम लोग अभी रिटर्न हो रहे हैं और यहाँ से हम लोग अभी सीधा डायरेक्ट जाएंगे भालुकपुंग। तो हम लोगों को यहाँ से 6-7-8 घंटा 8 या 9 घंटा लगेगा करीब। तो आप लोग को दिख रहा है पीछे तरफ बर्फ़ है और साइड में पूरा बर्फ़ है, आपको इधर भी दिखेगा बर्फ़, पूरा बर्फ़ है।